नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। ग्रीन कॉरिडोर NH-152D की जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए काफी समय से धरना दे रहे किसानों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 80 किसानों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए आत्मदाह की अनुमति की मांग की है। इसके साथ किसानों ने सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही किसानों ने कहा है कि इस समय उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। किसानों ने इसके साथ सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 2 दिन का वक्त दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो रणनीति बनाकर बड़ा फैसला लेंगे। आपको बता दें कि दादरी जिले के 17 गांवों के किसान 26 फरवरी से ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जींद जिले के किला जफरगढ़ गांव में भी इसी मामले को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जाहिर है किसानों की मांगे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नए कलेक्टर रेट निर्धारित करके मार्केट मूल्य के हिसाब से दिया जाए। तो वहीं इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों के साथ बातचीत कर नए कलेक्टर रेट तय करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं होने से किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अपने लिखे पत्र में किसानों ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण में प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून का पालन नहीं किया, जिसके चलते उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसके चलते एक किसान अब तक आत्महत्या भी कर चुका है और अब 80 किसान सामूहिक आत्महत्या करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि धरने की अगुवाई कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने कहा है कि किसानों ने सरकार व प्रशासन से प्रति एकड़ 1,93,00,000 की मार्केट वैल्यू के अनुसार मुआवजा देने की मांग की है और सरकार हमें बस आश्वासन दे रही है। यही वजह है कि 80 किसानों ने आत्मदाह करने की अनुमति मांगी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई भी किसान आत्महत्या करता है तो अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज करवाया जाएगा। अभी हम 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, बाद में अगली रणनीति तैयार की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के रोहतक की अनाज मंडी में खरीद केंद्र बंद होने के बावजूद भी किसानों के गेट पास काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में पहली बार बनाए गए खरीद केंद्र थानेसर अनाज मंडी में सूरजमुखी की खरीद बंद कर दी गई है। हालांकि इसके बाद भी किसानों के गेट पास काटे जा रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मार्केट कमेटी के चेयरमैन की ओर से आश्वासन की उम्मीद में प्रदर्शन कर रहे किसानों का गुस्सा तब और भड़क गया जब कमेटी चेयरमैन वहां से अपनी गाड़ी में किसानों के बीच से निकल गए, जिसके बाद किसानों ने चेयरमैन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों का रवैया देखकर मार्केट कमेटी के सचिव राहुल मियां ने मोर्चा संभालते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही इस मामले को उच्चाधिकारियों तक लेकर जाएंगे, जिसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। आपको बता दें कि सूरजमुखी खरीद के लिए थानेसर अनाज मंडी को पहली बार केंद्र बनाया गया है, जहां पर 5 जून से इसकी खरीदी चल रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से खरीदी बंद कर दी गई है, जबकि किसान लगातार केंद्र पर सूरजमुखी के साथ पहुंच रहे हैं। इस दौरान 40 किसानों के गेट पास भी काट दिए, हालांकि खरीदी नहीं हुई, जिसके चलते किसानों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। जहां एक तरफ किसान पानी से लेकर बारिश और अपनी फसलों को लेकर परेशानियों से हमेशा घिरा रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक और तहसील अफसर भी किसानों को परेशान करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मामला सोहजनी तगान का है, जहां बैंक व तहसील अफसरों की लापरवाही के चलते एक वृद्ध किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद गांव के लोगों ने किसान के शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। इसके साथ मौके पर पहुंचे प्रशासन, SPCT व अन्य अफसरों से गांव के लोगों ने फर्जी लोन की जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने और किसानों की लोन माफी के साथ आर्थिक मुआवजे की मांग की। आपको बता दें कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सोहजनी तगान के रहने वाले किसान धन प्रकाश त्यागी ने 15 जून को बैंक व तहसील अफसरों पर उत्पीड़ना का आरोप लगाते हुए कीटनाशक पी लिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें मेरठ मेडिकल में लाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। हालांकि बीते दिन उनकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचे शव को लेकर गांव के लोग धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना मिलने पर आला अधिकारियों से लेकर ADM, SP और सिटी मजिस्ट्रेट ने वहां जाकर गांव के लोगों से बात की और ADM प्रशासन के नेतृत्व में एक टीम गठित करने की बात कही,
और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की भी बात कही गई है, जिसके बाद गांव के लोगों और परिजनों ने शमशान घाट पर जाकर किसान का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि धनप्रकाश पर एक ही समय में 4 बैंकों से लोन लेने की बात सामने आई है, जिसके चलते एडीएम ने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। तो दोस्तों, किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।